हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फुल लर्न में। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी के लिए अपडेट्स आई है। मैं इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट्स है जो कि आप लोगों की परीक्षाओं के संबंध में अपडेट्स आई है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजी पीजी के हैं उन सभी कोर्सेज के लिए है, जो कि महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बताई गई जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी है जो कि आप सभी को प्राप्त हो सके। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए हमारे द्वारा वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय की तरफ से किन किन कोर्सेज की परीक्षाओं के संबंध में अपडेट्स आई है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप सभी को बताया जा रहा है डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से ये नोटिस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, दिनांक 24/8/2023 का अपडेट है, साइट पे इसे आज ही अपडेट किया गया है। यहाँ पे देखिए 24/8/2023 का अपडेट है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे साइट पर आज ही अपडेट किया गया है इसे। प्रेस विज्ञापित में आप सभी को बताया जा रहा है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 की वार्षिक स्नातक एवं प्र स्नातक स्तर की छुट्टी हुई प्रयोगिक एवं मौखिक परीक्षाएं निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपन्न होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स या स्नातक एवं प्र स्नातक वर्ष 2023 के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी की प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएं का यहाँ पे देखिए कार्यक्रम अनुसार यहाँ पे परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप क्रमांक संख्या देख सकते हैं, परीक्षा तिथि देख सकते हैं, दिन समय देख सकते हैं, उसके बाद प्रायोगिक और मौखिक विषयों के नाम है जो कि स्नातक एवं प्र स्नातक के लिए, और परीक्षा केंद्र जो भी है आप सभी का यहाँ पे देखिए दिया गया है। पूरी अपडेट्स यहाँ पे देखिए आप सभी देख सकते हैं, पूरी अपडेट्स यहाँ पे देखिए आप सभी को दिया गया है। आगे बताया जा रहा है, जिन परीक्षार्थियों की वर्ष 2023 के प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाएं छूट गई है, वे परीक्षार्थी उपयुक्त विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा देने का कष्ट करें। इसके उपरांत किसी भी दशा में छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा संपन्न नहीं कराई जाएगी, तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनका परिचारी एवं अग्रसारित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय के गत वर्षों की निर्धारित छुट्टी परीक्षा शुल्क स्नातक स्तर पर प्रति प्रायोगिक 1000 रुपये तथा प्र स्नातक स्तर के प्रति प्रायोगिक 1500 रुपये ऑनलाइन परिशुल्क रसीद के साथ दिनांक 7/9/2023 तक प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए अपडेट्स आई थी। मैं पूरी अपडेट्स यहाँ पे देखिए आप सभी को अपडेट की हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को सारी जानकारी यहाँ से समझ में आ गई है जो भी यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं प्राप्त हुई है वो सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी है जो कि प्राप्त हो सके। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए कोई भी वीडियो रहे आगे की वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।